अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम मनाने लगे हैं जी सेहत का ख़ज़ाना। जो इसे खाएगा तो बुढ़ापे से जवान हो जाएगा, जो बीमार है वो तंदुरुस्त हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा ताकत से भरा हुआ सर्दियों की ज़ुकात यहाँ हम लेकर आ गए हैं। बेसन और सूजी का हलवा सब कुछ मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया है। एक एक पाव हमारे पास काजू पिस्ता बादाम है। आप जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। किशमिश है, चार मगज़ हैं, तिल है, खोपरा है, और तो आपको जो जो भी चीज़ें इसमें पसंद है कमरकस भी डाल सकते हैं इसमें आप। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ताकत देती हैं, तो ये बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े बूढ़े हर कोई खा सकता है और बीमारी से सेहत याब हो सकता है। और जो लोग कमज़ोर हैं वो इसको खाएं तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा जो है वो तंदुरुस्त हो जाएंगे और आपको अंदरूनी जो है वो ताकत मिलेगी। तो यहाँ सब चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है, सारे जो ड्राई स्टफ़ है, किशमिश वगैरह और हमारे ड्राई फ्रूट्स, तिल, चार मगज़, सबको यहाँ पर सिंगल सिंगल हमने कर दिखाए हैं। लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जी। आप खोपरे को छोड़ के सभी चीज़ों को हल्की आंच पर जो है वो रोस्ट कर लें। तकरीबन एक चम्मच घी डालकर आप इसको अच्छे से रोस्ट कर लें और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है माशाल्लाह से। तिल भी यहाँ पर रोस्ट हो रहे हैं और ये सब कुछ रोस्ट कर लेते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली आपको हर वीडियो हमारी सबसे पहले देखने को मिले। तो यहाँ पर जी सब कुछ रोस्ट हो चुका है। ड्राई कोकोनट को भी हमने इसी प्लेट में निकाल दिया है। अब चलते हैं स्टेप नंबर टू की तरफ। यहाँ पर दूसरा बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं एक कप सूजी, 250 ml वाला बड़ा कप जो होता है। आपके पास, हर किसी के पास ये कप मौजूद नहीं होता, तो आप जिसमें चाय पीते हैं या कोई भी एक बर्तन ले लें जिससे आपने मापनी है चीज़, तो आपने वही कप जो है एक जो है वो सूजी का लेना है और उसका डबल जो है वो बेसन का होगा। तो पहले सूजी को हल्की आँच पर अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं जब तक जो है वो इसका अच्छे से जो है वो कलर नहीं आता। तो हल्का सा कलर आना चाहिए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो हम सूजी को निकाल लेंगे और उसी बर्तन में कर लेंगे बेसन को रोस्ट। तो यहाँ पर एक कप सूजी था तो वही कप हमने जो है, दो कप हमने यहाँ पर लेना है बेसन और उसे अच्छे से जो है वो हमने छान लेना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि जले नहीं आंच बिल्कुल, या तो बंद कर दें या तो बिल्कुल जो है वो लो कर लें। और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें और बेसन को हमने इतना अच्छे से रोस्ट करना है कि स्मेल आने लगे। और फिर इसको जब थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन दो चम्मच जो है वो देसी घी। ये दूसरा आ गया कप हमारा बेसन का, इसको भी छान लेते हैं। और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे जी दो कप घी। दो कप हमने इसके अंदर घी डालना है और इसे अच्छे से पका लेना है। अब घी के अंदर हमने बेसन को अच्छे से पकाना है कि स्मेल जो है वो, इसकी खुशबू आने लग जाए और इसकी जो है वो पहचान ऐसे होगी कि सारा मेल्ट हो जाएगा और अच्छा सा एक ज़बरदस्त सा इसका कलरिंग सा पेस्ट बन जाएगा इस तरीके का। और फिर हमने इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा देख डालकर देखना है कि इसमें से अगर आवाज़ आए, बबल्स बनने लगें, तो इट्स मीन कि ये पक चुका है और इसकी खुशबू भी आने लगेगी। तो यहाँ पर हो गया जी स्टेप टू हमारा कंप्लीट। तो हमने घी जो है वो टोटल दो कप डाले हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डाला है। पहले एक कप डाल के इसको पका लिया था, फिर इसका मिक्सचर गाढ़ा होने के बाद हमने एक कप और डाल दिए, इनके थोड़ा सा और डाल दिया है। थोड़ा सा हमने तब डाला था जब हमने सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो रोस्ट किए थे। और अच्छे से इसको कुक करेंगे और ये देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो है हमारा बेसन जो है इसकी अच्छी से खुशबू आने लगेगी, तब हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो पक चुका है। फिर हम इसको कर लेंगे अलग बर्तन में और फिर कर लेंगे दूसरी तरफ शीरा तैयार। तो जब तक ये पकता है आप देखें इसे पकते हुए। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों की सौगात है, इसको ज़रूर खाइएगा, बनाइएगा, बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को ये बहुत ज़्यादा ताकत देगा। तो यहाँ कर लेते हैं जी दूसरे बर्तन में शीरा तैयार।
जो भी कप आप चीनी के लिए यूज़ करेंगे वही कप आपने पानी के लिए, घी के लिए और हर चीज़ के लिए बस वही कप आपने यूज़ करना है, उतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे कि 2 कप हमारे पास चीनी है तो 1 कप उसका पानी होगा और उसकी बना लेंगे हम चाश। इसकी तार वार हमने कुछ नहीं बनानी है, बस इसकी चाश बनानी है। तो जब तक चाशनी तैयार होती है आप वीडियो को अच्छे से देख लें। हाँ जी, तो यहाँ पर हो गई है जी चाशनी तैयार। इसके अंदर डाल देते हैं हमारे कोकोनट समेत ऑल स्टफ़, जो ड्राई फ्रूट्स थे और तिल थे और मगज़ थे, 4 मगज़ थे, सब कुछ हमने इस शीरे के अंदर डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस हमें इसको पकाना नहीं है, अच्छे से बस मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने तैयार की थी सूजी। सूजी को जो रोस्ट किया था वो इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करेंगे और फिर फौरन इसके अंदर हमने डाल देना है बेसन वाला मिक्सचर, बेसन और घी का मिक्सचर। और लें जी ये तैयार है और इसको कर देते हैं हम परात में। हमने घी लगाया किसी भी खुले बर्तन में और इसे निकाल देंगे। फिर इसको हमने रख देना है 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए और इसके अंदर कर्ड्स डाल देंगे और इसकी इस तरीके से जो है बर्फ़ी स्टाइल की जो है बर्फ़ी बना लें, इसके लड्डू बना लें, आप जो मर्ज़ी इसको शेप दे लें। बहुत ही ज़बरदस्त है, पर जायके में बहुत लजीज है। आप इसको चाय के साथ खाएं, शाम को खाएं, सुबह नाश्ते से पहले खाएं, नाश्ते के साथ खाएं, बच्चों को दें, बहुत ही सेहत के, इसे कहते हैं सेहत का ख़ज़ाना, तो ये जो है सेहत का ख़ज़ाना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।